हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। गर्मियों का दिन है और आम का सीजन है, तो क्यों ना कुछ आम की रेसिपी हो जाए। इस रेसिपी को आप चाहे सब्जी के रूप में खाएं या सूप के रूप में पिए। यह रेसिपी टेस्टी के साथ साथ फायदेमंद भी है, तो आइए इसकी बनाने की प्रोसेस देखें। आम मैंने अचार के लिए छीन लिए हैं और बारीक बारीक स्लाइस पे ले लिए। अब बच गए इसकी गुठलियों, तो ये रेसिपी इसकी गुठलियों की है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। इसके लिए आप एक फ्राइंग पैन ले लें, उसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल डालें, राई, जीरा और अगर आपके पास कलौंजी है तो कलौंजी, हरी मिर्ची और आम डाल के अच्छे से भूनने दें। आम को अच्छे से भून के गोल्डन करना है। आप इसमें ऐड कर लिए 1 चम्मच नमक, हल्दी और धनिया पत्ती। अगर आपके पास मिर्च की पत्ती है तो आप वो भी ऐड कर लें। इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें और बस ढककर पकने दें। 2 से 3 मिनट में आम अच्छे से पक जाएंगे। जैसे ही आम पक जाए आप इसमें 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करें और उबाल लें। आप चाहें तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं अगर इसको थोड़ा कम खट्टा करना है तो। बस जैसे ये खोलने लगे तो लास्ट में आपको 1/2 से 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा काला नमक ऐड कर देना है। अगर आपको ये जल्दी बनने वाली रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।